सुप्रभात बच्चों, आज कक्षा 8 का एक नया पाठ जो कि 7वां पाठ है, क्या निराश हुआ जाए का हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम छः पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। इस पाठ के जो लेखक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो जिन्होंने ये लेख लिखा है। ये लेख पद्धति में लिखा हुआ एक पाठ है, क्या निराश हुआ जाए। लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में लेखकों से संबंधित प्रश्न नहीं रहते हैं, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे लेखकों के बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे। केवल हम पाठ के बारे में, उन्होंने जो लेख में हमें समझाया है उसके विषय पर ही हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए हम आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं जो इस पाठ के अंतर्गत में आएंगे। पहला शब्द है धर्मभीरु। धर्मभीरु करते हैं जिसे धर्म छूटने का भय हो या अधर्म से डरने वाला व्यक्ति। भारत में कैसे लोग हैं? लगभग धर्म को मानने वाले लोग हैं। धर्म से सबको डर लगता है। पर्दाफाश मतलब कि भेद खोलना, दोष प्रकट करना, किसी चीज़ का भेद खोलना मतलब किसी की बात खुल जाना। उजागर का अर्थ भी यहाँ पे प्रकट करना होता है। गंतव्य अर्थ है स्थान जहाँ किसी को जाना होता है, उसको हम गंतव्य बोलते हैं, जहाँ पर किसी को जाना होता है। ढांढस एक शब्द आया है जिसका अर्थ क्या होगा? दिलासा देना या धीरज बंधाना किसी को। तो ये शब्द जो है पाठ के अंतर्गत में आएंगे। पाठ को शुरू करने से पहले छोटा सा मैं संक्षेप में आप लोगों को इसका सार बता देती हूँ। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दर्शाया है कि सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव, परोपकार, दया, करुणा आदि ऐसे भाव हैं जो समाज का आधार होते हैं। परिस्थितियाँ कितनी भी परिवर्तित होती रहें लेकिन इनका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता। साथ ही लेखक ने इस ओर भी संकेत किया है कि जीवन में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के काम करने वाले लोग देखने को मिलते हैं, परंतु हमें अच्छे काम करने वालों को देखकर जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। चलिए अब हम पाठ शुरू कर लेते हैं। पाठ को शुरू करने से और पहले से मैं आप लोगों को पाठ का नाम से हम लोग शुरू करेंगे, क्या निराश हुआ जाए। निराश का अर्थ आप लोग क्या सोच सकते हैं, क्या होगा? डिप्रेस हो जाना या फिर बिल्कुल कोई आशावादी दृष्टिकोण न होना, कोई उम्मीद ना होना। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा जो पाठ है वो शुरू हो रहा है, क्या मतलब कि लेखक यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। किससे प्रश्न पूछ रहा है? स्वयं से ही प्रश्न कर रहा है कि क्या निराश हुआ जाए। मतलब इस पाठ में वो बताएंगे कि ऐसी ऐसी महान परिस्थितियाँ, अनेक हमारे भारतवर्ष में अनेक बुराइयाँ होने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको जो है धीरज बनाए रखती हैं, या एक आशावादी दृष्टिकोण है। बुराइयों के साथ साथ भारतवर्ष में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। तो लेखक ऐसे में लिखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो इस पाठ के लेखक हैं वो बताते हैं, तो क्या इन बुराइयों को देखकर हम निराश हो जाएं या जीवन की राह हम चलना छोड़ दें। तो चलिए जानते हैं क्या है। तो आप लोगों को पाठ का अर्थ यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। इस पैराग्राफ का अर्थ मैं बता देती हूँ। मन बैठ जाना एक मुहावरा आया है यहाँ पे। मन बैठ जाना मतलब कि क्या हो जाना? निराश हो जाना। ठीक है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। किसके मन की बात हो रही है यहाँ पे? लेखक के मन की बात हो रही है। लेखक क्या कहते हैं, जब मैं समाचार पत्रों में, स्टूडेंट्स आप लोग भी जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे उसमें डेली चोरी डकैती की खबरें आती रहती होंगी। तस्करी भी चोरी को ही बोला जाता है, ठीक है। तस्करी करना यानी जीवित वस्तुओं की, जैसे बच्चों की भी तस्करी हो जाती है, भीख मांगने, कुछ बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है, ठीक है। डेली आप लोगों को चोरी की खबरें आती होंगी, भ्रष्टाचार की। इतने बड़े ऑफिसर ने जो है पेपर्स लीक करवा दिए, क्यों? उन्होंने भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया, उन्होंने पैसे लिए। तो इस तरीके की जो खबरें हैं वो डेली आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। तो जब ऐसी खबरें लेखक देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, तो उनका मन बैठ जाता है। आरोप प्रत्यारोप, यहाँ पर एक शब्द आया है आरोप प्रत्यारोप, इसमें है द्वंद्व समास।
ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का व्याकरण भाषा की बात का एक खंड है। ये द्वंद्व समास, द्वंद्व समास कहाँ पे होता है? जब एक शब्द होता है, जैसे यहाँ पे आरोप एक शब्द दिया है, प्रत्यारोप इसका विपरीत शब्द दिया है, ठीक है, विलोम शब्द, जब एक शब्द होता है उसी के साथ उसका विलोम शब्द दिया जाता है, और बीच में एक शब्द होता है योजक चिन्ह, ये वाला जो छोटा सा चिन्ह लगा होता है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द होते हैं और बीच में जो है एक योजक चिन्ह लगा दिया जाता है, वहाँ होता है द्वंद्व समास। ये भाषा की बात का मैं आप लोगों को हिस्सा करवा रही हूँ। आप लोगों का बच्चों एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा यदि आप वीडियो को पूरी ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है। आरोप प्रत्यारोप मतलब कि एक दूसरे पे लोग आरोप लगाते हैं, एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, ऐसा ही देश में कुछ माहौल मतलब कि ऐसा वातावरण बन गया है, ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार व्यक्ति बचा ही नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाए, मतलब हम आज के समय में, वर्तमान समय में ऐसा माहौल बन गया है भारतवर्ष में कि किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। बच्चों आप लोगों को भी आपके मम्मी पापा समझाते होंगे कि बाहर से आप कुछ भी लेकर मत खाना, कोई व्यक्ति यदि आपको अनजान कोई व्यक्ति मिलता है तो कहीं लेकर जाए तो आप उसके साथ कभी मत जाना, तो इस तरीके की जो बातें हैं ऐसे क्यों करते हैं माता पिता? क्योंकि हाँ, किसी भी व्यक्ति पर यहाँ पे विश्वास नहीं किया जा सकता। एक पंक्ति फिर आई है, जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं, मतलब जितना कोई हायर पोस्ट पे होता है उतना ही आज जमाने में भ्रष्टाचार उसमें हमने देखा है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण बुला दिए जाएंगे और दोषों का बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अब यहाँ पे लेखक किसी व्यक्ति के अनुभव की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि एक व्यक्ति ने मुझसे एक बार कहा था कि आज के जमाने में वही व्यक्ति सुखी रहेगा जो काम नहीं करेगा। आप लोगों ने भी कई बार ऐसा देखा होगा कि समाज में उन व्यक्तियों का आदर सम्मान ज़्यादा हो रहा है जो कुछ भी काम नहीं करते, लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करते हैं उनको कोई अवार्ड भी नहीं दिया जाता। तो ऐसे में क्या होता है, जो कुछ भी करेगा, क्योंकि जो ईमानदारी से कोई भी व्यक्ति अपना काम करता है तो लोग उसको काम करने की, उसमें काम करने, उसकी मेहनत की देखने की बजाय लोग उसमें कमियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे वर्तमान में मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर दे रही हूँ, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो दे रही हूँ, तब भी लोग इसमें जो है दोष निकालने के लिए तैयार रहेंगे, ऐसे नहीं लिखा, वैसे नहीं लिखा, ये गलत लिखा है। लोग ये नहीं देखेंगे, कोई भी ये नहीं देखेगा कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक मेहनत के साथ आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ जिसमें मेरा अपना कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, विद्यार्थियों की घरों पर अपना टाइम वेस्ट ना हो, समय खराब ना हो, इसलिए मैंने अपने दायित्व को समझते हुए आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। लेकिन इसमें भी लोग जो हैं दोष निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही व्यक्ति बताया, यदि इसी प्रकार से लोग क्या होते हैं, दोषों को बढ़ा, और लोग दोषों को कम नहीं दिखाएंगे, दोषों को मतलब कि दोष क्या है कि आपके बुराइयों को लोग बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे, ठीक है। दोष किसमें नहीं होते, अब लेखक क्या कह रहा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई बुराई नहीं होती, अगर ऐसा है तो हर आदमी दोषी अधिक दिखेगा और गुणी कम, गुणी कर तो मतलब अच्छे व्यक्ति बहुत ही कम नजर आएंगे, ठीक है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? आप लोगों ने बच्चों बात की होगी गांधी जी के सपनों की, तिलक जी के सपनों की, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर जी के सपनों की, मदन मोहन मालवीय के सपनों की, आपने कई बार देखा होगा, आप बहुत सारे स्कूल्स में ओकेजन भी होते हैं, हमारे सपनों का भारत, गांधी जी का भारत, मतलब उनका कैसा भारत था, उन्होंने कैसा भारत सोचा था जिस भारत में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, चोरी डकैती नहीं होगी, बल्कि राम राज्य होगा। तो गांधी जी ने कुछ ऐसे सपनों का भारत संजोया था, लेकिन वर्तमान में ऐसा यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वयं से, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था, ठीक है। तो आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि भारत में हर तरीके की सभ्यताएं पाई जाती है, हिंदू और मुसलमान हर धर्म के लोग पाए जाते हैं,
ठीक है, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि किसको कहा गया है? भारतवर्ष को, क्योंकि भारत में यूरोपीय के भी कुछ आदर्शों को लिया गया है, कुछ भारतीय आदर्शों को लिया गया है, ठीक है, तो सभी का मिलन है यहाँ पे। भारत में, भारत की एक विशेषता है कि सभी देशों की अच्छी विशेषताएं, सभी सभ्यताओं की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो भारत अपना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात लेखक कह रहे हैं कि क्या ऐसी मिलन भूमि, क्या ये जो महान समुद्र, जो इतनी सभ्यताओं से, इतनी परंपराओं से, इतने सारे देशों से हमने अच्छी संस्कृतियाँ उठाई, अपने देश की संस्कृति को इतना बढ़ावा दिया, क्या वो सारी संस्कृतियाँ सूख गई हैं? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। आगे लेखक क्या कहते हैं, कुछ व्यक्तियों में यदि बुराइयां आ गई हैं तो हम उनके आधार पर ये नहीं कह सकते कि हमारा पूरा भारतवर्ष ही ऐसा हो गया है। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है। महान मनीषी यहाँ पे किसको कहा गया है? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने भारतवर्ष की भूमि पर तपस्या की है, उन्होंने सपने देखे हैं भारतवर्ष के लिए, तो उनकी भूमि है यह, ऋषि मुनियों की, गुरुओं की भूमि है भारतवर्ष। तो ये भारतवर्ष ऐसा है। यही सच है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरी और बोले बाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। आगे लेखक क्या कहते हैं, हालांकि देश में माहौल, मतलब ऐसा वातावरण बन गया है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसके पास पैसा बहुत ही कम होता है, वो पूरी जिंदगी मेहनत करता है। बच्चों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ईमानदारी से व्यक्ति करोड़पति नहीं बन सकता, वो कुछ समय, मतलब कुछ उसकी सीमाएं हैं पैसा कमाने की, उस सीमा के अंदर रहकर ही अपना काम, उतने ही पैसे वो कमा सकता है। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाना, जीविका चलाना यहाँ पे क्या है कि अपनी रोजी रोटी चलाना, निरी और भोले वाले, मतलब कि निरअपराधी जो हमारे भोले वाले लोग हैं वही इसमें पिस रहे हैं, और झूठ और फ्रेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो लोग झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वतखोरी से पैसा कमाते हैं, वो बल्कि दिन रात उन्नति कर रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा, और ऐसा वातावरण हो गया कि लोगों का जो है ईमानदारी से विश्वास उठने लगा, और लोग किसकी तरफ बढ़ने लगे? रिश्वतखोरी की तरफ बढ़ने लगे। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। भीरू मतलब जो डरपोक होते हैं, और बेबस मतलब जो लाचार होते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि ईमानदारी केवल ऐसे, सच्चाई केवल ऐसे लोगों के लिए बची है जो या तो डरपोक हैं या तो फिर वो लाचार हैं। यहाँ पे डरपोक सच्चाई को बोला जा रहा है, ऐसा लेखक को अभी लग रहा है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यहाँ पे महान मूल्यों की चर्चा कर रहे हैं लेखक। महान मूल्य क्या है? यही सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, मानवता, ये हमारे क्या है? मानवीय मूल्य हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि हमें ईमानदार नहीं बनना चाहिए। ऐसे में लोगों की आस्थाएं, मतलब उनका जो विश्वास है, वो ईमानदारी, सच्चाई से, मानवता से, मनुष्यता से उठ रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को पैराग्राफ समझ में आ गया होगा आई थिंक। बच्चों आगे बढ़ते हैं पाठ में। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तु के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तुओं का संग्रह, मतलब भारत ने कभी भी पहले, हमेशा भारतवर्ष ने मानवता को रखा है। आप लोगों ने ये बात सुनी होगी, भारत जो है ऋषि मुनियों की धरती रही है, यहाँ पर हमेशा विश्व बंधुत्व की भावना रही है, सब सारे विश्व के कल्याण की भावना भारत में रही है। भौतिक वस्तुओं का संग्रह, यहाँ पर पैसे को बहुत अहमियत नहीं दी गई है। ठीक है, यहाँ पर मनी को जो है बहुत अधिक महत्व तो शुरू से ही नहीं दिया गया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। एक शब्द आया है, चरम और परम, मनुष्य के भीतर, मतलब भारत हमेशा से, भारत ने, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, भारत को गुरुओं की धरती भी कहा जाता है। तो गुरुओं की धरती क्यों कहा जाता है? जो मनुष्य के अंदर अच्छे गुण हैं, जो हमेशा हमेशा रहने वाले, इन अच्छे गुणों को कोई भी व्यक्ति नहीं निकाल सकता आपके अंदर से, वही भारत के लिए क्या है? चरम और परम। चरम और परम में भी यहाँ पे द्वंद समास है। यहाँ पे जो ये योजक चिन्ह है इसको हटाकर यहाँ पे और शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो वही क्या है? सर्वोपरि है। लोभ मोह, एक शब्द आया है, लोभ मोह काम क्रोध, इसमें भी क्या है? द्वंद समास है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है,
कि लालच आना, काम आना, प्रेम करना किसी से, गुस्सा आना, ये क्या होते हैं मनुष्य में, कोई दिलाता नहीं है, ये मनुष्य में ऑटोमेटिक होते हैं, मतलब नेचुरली, कृत्रिम रूप से नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से मनुष्य के स्वभाव में ये गुण होते हैं। बस वो परिस्थितियां जैसे ही पाते हैं वो गुण बाहर निकल कर आ जाते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को इनके इशारे पर छोड़ देना बहुत ही आचरण है, बहुत बुरा आचरण है। आगे लेखक क्या कहते हैं कि ये मनुष्य के अंदर विद्यमान तो रहते हैं लोभ मोह काम क्रोध, यानी कि लालच भी, क्रोध भी आता है मनुष्य को, प्रेम भी आता है मनुष्य को, ठीक है, ये अच्छी मनुष्य के अंदर होते हैं, लेकिन यदि मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है और इन्हीं के सहारे अपनी बुद्धि को नचाता है तो ये बहुत ही बुरा आचरण है। यानी जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण देती हूँ, जैसे आप लोगों को किसी अनजान व्यक्ति ने एक लालच दिया, आप हमारे घर पर चलो, मैं आपको बहुत ही अच्छी चॉकलेट दूंगा, आपने जो जो डिमांड रखी वो कहता है कि मैं आपकी सारी डिमांड पूरी करूंगा, और आपको लालच आ गया और आप उसके साथ लालच में चले गए। बाद में क्या हुआ आपके साथ कि उसने आपको किडनैप कर लिया और आपके माता पिता से वो पैसे मांग रहा है, और आपके माता के पिता के पास उतने पैसे नहीं है। तो वहां पे क्या था, यदि आप लालच में नहीं आते, वहां पे क्या था, आपके अपने मन में जो लालच का जो भाव था उसको आपको नियंत्रित करना था, उसको कंट्रोल करना था। यदि आप अपने उस लालच को उस समय कंट्रोल कर लेते, उस व्यक्ति के साथ बाहर नहीं जाते, तो ऐसी परिस्थितियां आपके साथ उत्पन्न ही नहीं होती। तो इसलिए क्या कहते हैं लेखक कि ये हमारे मन में होती हैं, ठीक है, हमारे को कोई लालच देता है तो हमें लालच आता भी है, लेकिन उस समय हमें सबसे ज़्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। और जैसे हमें किसी पे बहुत तेज गुस्सा भी आता है, जैसे कभी कभी माता पिता भी आपको डांट देते हैं, आपके गुरुजन भी आपको डांट देते हैं, अध्यापक या अध्यापिकाएं भी आपको डांट देती हैं, आप लोगों को गुस्सा भी आता है, लेकिन जिस विद्यार्थी ने या जिस बच्चे ने उस समय अपने गुस्से को पी लिया, अपने गुस्से को शांत कर लिया, उसने माता पिता के सामने उलट कर जवाब नहीं दिया या अध्यापक अध्यापिका का जवाब नहीं दिया, तो बाद में वही बच्चा बहुत आगे भी बढ़ता है। तो ये सारे गुण क्या होते हैं, हम लोगों को बांध कर रखने होते हैं, अपने आप पे हमें संयम रखना होता है। तो भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया। संयम का बंधन क्या है यहाँ पे, सॉरी स्टूडेंट, कि उन्होंने हमेशा एक उनमें उनको एक नियंत्रित तरीके से रखना सिखाया। परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले आने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। किंतु यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं, किंतु यदि किसी को भूख लगी है और उसके बाद हम उसको समझाएं कि आप उसको कंट्रोल कर लीजिए, कोई बच्चे ने 2 दिन से खाना ही नहीं खाया, उसके बाद भी हम उसको संयम सिखाए, तो उस समय उस बच्चे को हम संयम नहीं सिखा सकते, क्योंकि उस समय उसको किसकी ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति यदि बीमार है तो उसका भी कोई और ऑप्शन नहीं है, बल्कि उसको क्या है, उसको दवा की ज़रूरत है, तो उसको दवा लेनी पड़ेगी, तभी वो ठीक होगा। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। क्या कहते हैं लेखक आगे, कोटि कोटि मतलब करोड़ों, दरिद्र जन मतलब गरीब लोगों की हीन अवस्था, गरीब लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा अनेक कायदे कानून भी बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। मतलब कहने के क्या, गरीबी कैसे दूर होगी, यदि हम अपनी कृषि को अच्छा बढ़ावा देते हैं, उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, वाणिज्य मतलब व्यापार को बढ़ावा देते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, बच्चों का अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हैं, तो उनसे ये प्रेरित होकर उनके लिए कुछ कायदे कानून बनाए जाते हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, परंतु जो लोग इन कार्यों में लगे हैं, यानी कि जो वाणिज्य, व्यापार, कृषि, उद्योग, जो भी गरीब लोगों के लिए नीतियाँ बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। हम लोग ये नहीं कह सकते कि उनके मन में लालच नहीं आ सकता, प्रायः वे लक्ष्य को भूल जाते हैं, मतलब वो भूल जाते हैं कि उनको जो है गरीब लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन वो लोग इस अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधाओं मतलब कि वो अपनी ही जेब भरने में ज़्यादा लगे होते हैं, और जिस कार्य के लिए उनको नियुक्त किया जाता है वो कार्य वो नहीं कर पाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है।
धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि भारतवर्ष में हमेशा से ही धर्म को सर्वोपरि माना जाता है कि व्यक्ति एक बार अपने धर्म से नहीं गिरता है, एक बार वो कानून तोड़ सकता है लेकिन वो अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकता। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरु हैं वो कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कि जो व्यक्ति धर्म से डरते हैं वो एक बार कानून तोड़ने में नहीं डरते, वो धर्म का पालन अवश्य करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या बताना चाह रहे हैं कि भले ही भारतवर्ष ने बहुत सारे कानून बना लिए हो लेकिन भारत में अभी भी धर्म को ही सर्वोपरि यानी कानून से भी ऊपर धर्म को माना जाता है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। लोग अभी भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी, आध्यात्मिक मतलब अपनी धर्म की बातों को, मूल्यों को मानते हैं। वे दब अवश्य गए हैं, मतलब जो सेवा, ईमानदारी और सच्चाई जैसे जो मूल्य हैं वो अभी कम दिखाई देते हैं लेकिन वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है। आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे मनुष्य मिलेंगे भारत में जो मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है। आप लोगों के माता-पिता ने आप लोगों को हमेशा सिखाया होगा कि बेटा कभी भी झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, ये क्या होते हैं, ये पाप होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें कहाँ से आ रही हैं, हमारे धर्म से आ रही हैं। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यदि न्यूज़पेपर्स में आप लोग इस तरीके की खबरें पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये खबरें क्यों छापी जा रही हैं, यही दिखाने के लिए समाज को कि ये आज भी हमारे समाज में गलत है। किसी के आपने चोरी से अगर आपने पैसा कमाया है, झूठ से यदि पैसा कमाया है तो ये आज भी गलत है, ये आज भी पाप है। ठीक है, दोषों का पर्दा। यहाँ पर बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के बनेंगे तो इस पार्ट को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। दोषों का मतलब किसी की बुराइयों को बताना कोई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। मतलब सबसे बुराई बुराई इस बात में नहीं है कि आप बुराई को बता रहे हैं, बल्कि बुराई किस बात में कि केवल केवल और केवल आप उसके जो बुराई का गलत पक्ष है उसी को आप दिखा रहे हैं और उसमें क्या ले रहे हैं, रस, मतलब कि उसमें आनंद ले रहे हैं। और दोषों उद्घाटन को एक मात्र कर्तव्य मान लिया जाता है और सामने वाला व्यक्ति केवल दोष यानी बुराइयों को ही बताना अपना कर्तव्य मानता है, यानी उसकी अच्छाई बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, केवल और केवल उसकी बुराई बताएंगे। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि अच्छाई को भी तो आपको आनंद के साथ दिखाना चाहिए ना। लेकिन आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे उदाहरण भारतवर्ष में प्रतिदिन घटते होंगे कि जो ईमानदारी की कोई ना कोई मिसाल पेश करते होंगे, कोई प्रेम की, कोई मानवता की, लेकिन वो जो है न्यूज़पेपर में हम लोगों को बहुत कम दिखाई देते होंगे। जैसे ही आप न्यूज़पेपर उठाते हैं, समाचार पत्र खोलते हैं तो आपको सबसे पहले बुराई की जो खबरें हैं वो सबसे पहले दिखाई देंगे, अच्छाई के जो पक्ष हैं वो बहुत ही कम आपको पेपर में दिखाई देंगे। तो क्या कह रहे हैं लेखक यहाँ पे कि अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना, मतलब कि अच्छाई को ना छापना, अच्छाई को नहीं दिखाना उससे भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अभी जैसे कोरोना वायरस का समय चल रहा है, COVID-19, तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप मैसेज देखते होंगे कि जो हमारी पुलिस है वो किस तरीके से लोगों को पीट रही है। तो ये जो सोशल मीडिया पे मैसेज है बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी से वायरल होते हैं। ये क्या है, कहीं ना कहीं बुराई को आप पहले दिखा रहे हैं, जबकि सैकड़ों पुलिसकर्मी हमारे देश की सेवा के लिए डटे हुए हैं, सैकड़ों लोगों को वो खाना पहुंचा रहे हैं। जिस समय में लोग डर कर दुबक कर अपने घरों में बैठे हैं कि बुराई उनको कोई बीमारी ना लग जाए, उस समय में भी वो अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य पर अडिग हैं और देश की और लोगों की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर अपनी जान खतरे में डालकर जा रहे हैं।
लेकिन इस तरीके की सोशल मीडिया पर जो अच्छाई है वो बहुत ही कम दिखाई जाती है। यदि हमारी सरकार या हमारा सोशल मीडिया पर अच्छाई को पहले दिखाया जाए तो लोगों में अच्छी भावना का प्रचार अवश्य होगा। आगे लेखक एक घटना को उल्लेख करते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। तो गलती से क्या हुआ लेखक से कि उन्होंने 10 के बजाय 100 का नोट दे दिया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो टिकट वाले होते हैं वो सेकंड क्लास के डब्बे में आते हैं और सभी लोगों को देखते हुए आते हैं कि कौन वो व्यक्ति था जो मुझे 10 के बदले 100 रुपये दे गया था। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, वो लेखक बता रहे हैं कि ईमानदारी से भरे हुए उदाहरण भी हमारे भारतवर्ष में बहुत हैं, कि उन्होंने कंडक्टर को गलती से 100 रुपये दिए और 100 रुपये के बहाने में टिकट 10 रुपये का लिया, 100 रुपये दे के आ गए, उसके बाद भी वो व्यक्ति उनको पैसे लाकर उन्होंने वापिस दिए। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु एक घटना ठगी और वंचना यानी घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। मतलब बस जहां पर बस को पहुंचना था उससे 8 किलोमीटर पहले ही बस पूरी तरीके से सुनसान जगह पर रुक गई, खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे, बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। कंडक्टर एकदम से उतरा और वो साइकिल लेकर तुरंत चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बच्चों, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि लोगों को संदेह क्यों हुआ कि उनको धोखा दिया जा रहा है, क्यों हुआ? बच्चों, आप लोग सोच सकते हैं इस पैराग्राफ में इसका आंसर छुपा हुआ है, क्योंकि कंडक्टर एकदम से बस से उतरा और वो सीधे साइकिल लेकर चला गया। उन्होंने, बस कंडक्टर ने किसी को भी कुछ नहीं बताया, तो लोगों को धोखा अपने साथ लगा। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, यानी उस पूरी बस में पूरा परिवार केवल मेरा ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था, आदमी ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। आप लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है कुछ लोग दिख रहे हैं, ये लेखक दिख रहे हैं, उनकी पत्नी दिख रही है, बच्चे हैं, और उन्होंने कुछ लोग, ये जो है यहाँ पे कंडक्टर दिखाई दे रहा है जो साइकिल पर जा रहा है, ठीक है, आप लोग इस तरीके से देख रहे होंगे यहाँ पे एक चित्र में। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिस्सा बनाया। आप लोगों ने, आप लोग थोड़ा सा परिस्थिति को एक बार सोचिए, इमेजिन कीजिए कि जब कंडक्टर उतरकर साइकिल लेकर चला गया तो लोग क्या है, ड्राइवर की तरफ देख रहे होंगे और उन्होंने अनुमान लगाया होगा कि ड्राइवर भी उसी के साथ मिला हुआ है, तो इसलिए लोगों ने क्या प्लानिंग की कि हम ड्राइवर को पहले पीटेंगे। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। एक मुहावरा है यहाँ पे, हवाइयाँ उड़ जाना मतलब कि चेहरे पर क्या हो जाना, घबरा जाना। हवाइयाँ उड़ जाना मतलब कि घबरा जाना, तो क्या हो गया, ड्राइवर एकदम से घबरा गए। लोगों ने उसे पकड़ लिया, वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। मतलब यहाँ पे जो ड्राइवर साहब थे वो बड़े ही बेचारे दीन भाव से किसकी तरफ देखने लगे, लेखक की तरफ वो देखने लगे और उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि मुझे आप बचाइए। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतना घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहे हैं, कंडक्टर को पहले ही ढाकुओं के यहाँ भेज दिया है इसने। आप लोग ये चित्र देख सकते हैं कि ड्राइवर को सब लोगों ने पकड़ा हुआ है और सब लोग उसको मार रहे हैं और इधर लेखक एक साइड में खड़े हुए हैं। मैं बहुत भयभीत था, भयभीत कर यहाँ पे मैं बहुत डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए, मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, मेरी और मेरी पत्नी की हालत बहुत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह पर उन्होंने घेर लिया। ये आप चित्र देख सकते हैं कि सभी ने उसको चारों तरफ से
घेर लिया। ये आप देख सकते हैं, कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्होंने उचित जान पड़ा कि यदि डाकू हमें, उन्होंने क्या सोचा लोगों ने कि यदि सुनसान जगह पर डाकू डकैती डालेंगे या डाकू चोरी करने आएंगे तो हम सबसे पहले किसको मार देंगे, ड्राइवर को मार देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। उस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उतनी में 2 घंटे बाद में क्या होता है कि कोई खाली बस आ रही है, उसको कौन चला रहा है, कंडक्टर चला रहे हैं। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। मतलब वो साइकिल लेकर कहाँ पर गया था, बस अड्डे पर गया था, नई बस लाने के लिए गया था, लेकिन लोगों ने बहुत ही उनको गलत समझ लिया था। वह बस चलाने लायक नहीं थी। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर भी आया और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया तो थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। बच्चों, इस उदाहरण से आप लोग समझ गए होंगे कि बस कंडक्टर मोस्टली क्या होता है, यदि बस खराब हो जाती है तो वो तो दोनों आराम से कहीं पर भी जाकर सो सकते थे, ड्राइवर भी और कंडक्टर भी, ठीक है, क्योंकि सरकारी बसों में यही हमारी खस्ता हालत है, कोई भी कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन उन्होंने पूरी रात सफ़र किया, वो साइकिल से बस अड्डे गया, वहाँ से बस लेकर आया, बच्चों के लिए दूध और पानी भी लेकर आया। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देती है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई है। जीवन में कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है। बच्चों, आप लोगों ने भी, आपके माता पिता से आप पूछेंगे कि बहुत लोगों ने उनको चीट किया होगा, धोखा दिया होगा, लेकिन आप उनसे पूछिएगा, उनके बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे मित्र भी होंगे जिन्होंने उनको बुरे वक्त में हमेशा सहायता की। आपके भी ऐसे मित्र होंगे, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं, यदि केवल हम जीवन में उन्हीं बातों को याद रखेंगे जिन्होंने हमें धोखा दिया है, तो हमारा जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जीवन से शिकायत करते रहते हैं। बल्कि हमें कैसे पलों को बच्चों याद करना चाहिए, हमें ऐसे पलों को याद करना चाहिए जिन पलों ने हमें सुख दिया है, ठीक है। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, मतलब बिना ही कारण के लोगों ने सहायता भी की है, निराश मन को डांडस दिया है। डांडस मतलब धीरज बंधाना, कि जब 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 मेरा मन निराश हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले हैं जिन्होंने मुझे धीरज बंधाया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्र ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न कर सकूं। अर्थात यदि हमें कोई भी बुरा व्यक्ति मिल जाता है, हमें कोई धोखा दे जाता है, तो हमें ईश्वर पर संदेह नहीं करना चाहिए, अपितु उस समय में हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के हमारी सहायता की होती है। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। कहने का अर्थ क्या है कि भले ही हमारे समाज में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, मनुष्यता, इस तरीके के बहुत ही उदाहरण देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी आशा की एक किरण है, महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है। मतलब हम अपने भारतवर्ष को कैसा बनाएंगे, महान बनाएंगे। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और अंत में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि मेरे मन तुम्हें निराश होने की, मतलब कि तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, आप मुझे बताओ, क्या जिस जो पाठ का यहाँ पे शीर्षक दिया गया है, क्या निराश हुआ जाए, आपको उचित लगता है? अगर आपको उचित लगता है तो उसका तर्क आप सोचिए, क्यों लेखक ने इसका ऐसा नाम रखा है, और या फिर आप इसका कोई दूसरा शीर्षक भी सुझा सकते हैं। इस तरीके के प्रश्न आपके आएंगे। भाषा की बात के प्रश्न मैं आज कवर कर चुकी हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में बच्चों। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। वंदे मातरम। आप सभी बच्चे घर पे रहिए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए पूरी सीरीज़ बना दूँ मैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।